हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। आज मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जो मैं आउटसाइड घूमने गई थी उसका व्लॉग है। यह है संडे का दिन और देखिए हमने एक तरह के कपड़े ही पहने हैं और हम निकल चुके हैं। और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी यहाँ के जो कुछ नियम हैं जो ड्राइविंग करते वक्त हमें फॉलो करने होते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए और देखिए जो बाहर का जो नज़ारा है, ये पेड़ पौधे बिल्कुल तरह से सूख चुके हैं। ये सारे पेड़ के जो पत्ते झड़ चुके हैं क्योंकि ये स्नोफॉल के बाद का जो नज़ारा ऐसा ही हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर से यहाँ रंग बिरंगे फूल और हरियाली नज़र आती है। अप्रैल तक ये बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर दिखेगा। तो यहाँ कुछ देखिए, यहाँ स्पीड लिमिट लिखा है, यहाँ 30 है। तो हमें स्पीड लिमिट जो रहता है उसी में हमें, यहाँ देखिए स्पीड लिमिट 55 है, तो हमें उसी स्पीड में गाड़ी को चलाना होता है। और ये स्टॉप का साइन है, तो यहाँ स्टॉप का साइन पे थोड़ी देर गाड़ी को ज़रूर स्टॉप करना होता है। और स्पीड लिमिट अगर 55 है या 30 है, जितना भी होता है, हमें उसी स्पीड में गाड़ी को चलाना होता है। ना हम उससे ज़्यादा तेज कर सकते हैं और ना ही उससे ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये जो यहाँ का जो ड्राइविंग सीट होता है, जो ड्राइविंग करते हैं, वो भी अलग होता है। जैसे इंडिया में होता है राइट साइड, तो यहाँ लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ थोड़ा सा अलग लगता है, लगता है कि हम रॉन्ग साइड बैठ रहे हैं। और बच्चों का जो सीट होता है, बच्चों का भी यहाँ अलग सीट होता है। बच्चे को जो 10 साल से कम के उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हें अलग सीट पे बैठाया जाता है, उनके लिए अलग सीट लिया जाता है। और ये देखिए, ये एक ये टेंट है और यहाँ लोग ऐसे ही टेंट लगा के बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी सेलिब्रेट करते हैं इस तरह बीच पर। और ये और मैं ये देखिए कैसा ये जो बीच है, इसका पानी पूरी तरह से जम चुका है और ये उसके किनारे ये बर्फ़ के टुकड़े जम चुके थे और ये देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसे तो ये 15 डिग्री टेम्परेचर था पर बहुत काफी ठंडा था। और कुछ दिन के बाद यहाँ फिर से अच्छी तरह ये इस तरह से वीरान जो दिख रहा है, फिर से हरियाली आ जाएगी, रंग बिरंगे फ्लावर दिखेंगे आपको। यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा क्योंकि स्नोफॉल के तुरंत बाद का था, इसलिए नज़ारा ऐसा दिख रहा है। और ये देखिए बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इसी तरह। और यहाँ कुछ छोटी छोटी और भी कुछ बातें हैं, आगे वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी आप गोद में लेके आगे नहीं बैठ सकते हैं। बच्चों का अलग ही सीट होता है, बच्चे हमेशा पीछे ही बैठते हैं। यहाँ कितना भी छोटा बच्चा हो, आप उसे गोद में यहाँ आगे लेके बैठना होता है। तो ये देखिए, यहाँ हो गया हमारे व्लॉग का एंड। तो इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए। तब तक के लिए।